हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एआर एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है, हमने ग्रेड 10 सीबीएसई साइंस की सीरीज़ चालू की है। ये दूसरा वीडियो है। आज इस वीडियो नोट में हम देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ओके, तो आज इसमें हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ये इक्वेशन लिखना, या वे सोचते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे लिखेंगे। तो आज बड़े इजी तरीके से मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाए, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखना है, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने एक्टिविटी नंबर 1.1, पुरानी जो एक्टिविटी, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी एक्टिविटी नंबर 1.1 है। तो जैसे कि देखिए, इस एक्टिविटी नंबर 1.1 में आपने देखा, आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम का एक वायर था, और इस मैग्नीशियम के वायर में आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट किया, तो क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये चीज़ बन गई। अब देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी ये रिएक्शन इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन अगर एक जिसे नहीं पता है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो शायद ऐसे लिखेगा कि मैग्नीशियम रिएक्ट और एडेड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइक दिस वे, मतलब वर्ड के फॉर्म में लिखेगा। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम इसे समझेंगे कि कैसे इक्वेशन को, कैसे रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे उसे बैलेंस किया जाता है। आज के सेशन में हम यही बात समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को कि केमिकल इक्वेशन दैट कैन बी एक्टिविटी नंबर 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है केमिकल रिएक्शन का, वो एक सेंटेंस में अगर लिखना होगा तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे कि हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में या वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो इतने बड़े चीज़ को, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतनी बड़ी सी लाइन को लिखने से अच्छा है कि किसी शॉर्टकट तरीके में लिखा जाए जो अच्छे से समझा भी दे और ये भी बता दे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो बनता है, जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, बनता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और जो रिएक्ट होके बनता है, जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे ए से अगर कोई बी चीज़ बन गई, ए से अगर आपने कोई चीज़ बना दिया, तो ए क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, और बी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए आपने मिल्क का इस्तेमाल करके क्या बना दिया, कर्ड बना दिया। मान लीजिए मिल्क का इस्तेमाल करके आपने क्या बना दिया, कर्ड बना दिया, तो ये मिल्क क्या हो गया, रिएक्टेंट, प्रोड्यूस क्या हुआ, प्रोडक्ट। ठीक है, तो एरो जो होती है, ये एरो जो होती है, एरो का जो टेल वाला हिस्सा होता है, टेल वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट, और जो हेड वाला हिस्सा होता है, मतलब ये जो नुकीला हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, सो आपको ये सारी चीज़ें तो पहले से पता होंगी, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आप सबको पता होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। सब्सटेंस दैट अंडरगोस केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर दो चीज़ दिख रही है, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रिएक्ट होके प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, उसे कहते हैं रिएक्टेंट। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो नया सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो अहम हिस्सा है एक इक्वेशन का, किसी रिएक्शन के इक्वेशन का एक अहम हिस्सा है। क्या
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो चीज़ें रिएक्ट होती हैं, जैसे मैंने बताया ए प्लस बी को मिलाने से क्या बनता है, ए बी। तो जो चीज़ बन रही है उसे प्रोडक्ट कहेंगे, और जो चीज़ रिएक्ट हो रही है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, पहली बात तो रिएक्शन होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को पूरे बड़े बड़े वर्ड में, एक बड़े पैराग्राफ में न लिख के एक इजी तरीके से एक्सप्रेस करने के तरीके को केमिकल इक्वेशंस बेसिकली हम लोग कहते हैं। केमिकल इक्वेशन दो तरीके से लिखा जाता है, वर्ड इक्वेशन एंड सिम्बल इक्वेशन। सिम्बल इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने अभी देखा, जैसे आपने देखा यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये देखा आप लोगों ने, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप लोगों ने ये देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये देखिए मैग्नीशियम इतना बड़ा लिखने की वजह, अगर मैं ऐसा कर दूं कि सिर्फ Mg लिख दूं तो, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है तो मैंने सिर्फ O2 लिख दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये और आसान हो गया है कि नहीं, ये और आसान हो गया। ठीक है, तो सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये सिंबल फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, सिंबॉलिक फॉर्म। और ये कौन सा है, वर्ड इक्वेशन है, क्या है, वर्ड इक्वेशन। अब तो अगर आपसे कहा जाए वर्ड इक्वेशन लिखिए तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, अगर सिंबॉलिक इक्वेशंस या नॉर्मल केमिकल इक्वेशंस कहा जाए तो आप इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो और भी कई चीज़ें हैं, कई तरीके हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि केमिकल इक्वेशन में दो अहम हिस्सा होता है, पहला होता है कि एक जो एरो होती है वो, और दूसरा होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट जिससे कोई चीज़ बनती है, मतलब जो चीज़ केमिकल चेंज हो रहा है, जिस चीज़ का केमिकल चेंज हो रहा है, जिस केमिकल का केमिकल चेंज हो रहा है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे मैंने बताया ए प्लस बी को ऐड करते हैं, क्या बनता है, ये ए बी, तो ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। इस तरीके से आपको लिखना है। और भी कई चीज़ें आएंगी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे इनके स्टेट, ये अगर सॉलिड स्टेट है तो नीचे ब्रैकेट में सॉलिड लिखा जाता है, अगर ये लिक्विड है तो ब्रैकेट में छोटा एल लिखा जाता है लिक्विड, अगर ये गैस है तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, गैस लिखा जाता है। तो ये जो ब्रैकेट में छोटा सा लिखा रहता है इसे हम कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं, स्टेट, कौन सा स्टेट में है। अगर मैं लिखूँ कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 moles ऑफ वाटर, मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन लिखा, तो अगर ये गैस है तो ये गैस में लिख दूंगा, ये गैस है तो गैस में लिख दूंगा। वाटर एज अ प्रोडक्ट अगर वेपर बना है तो इसे गैसेस फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर ये लिक्विड बना है तो इसे क्या लिखेंगे, वाटर बना है तो क्या लिखेंगे, लिक्विड, अगर मतलब वेपर बना है तो क्या लिखेंगे, गैस में, अगर ये वाटर बना है तो क्या लिखेंगे आप, लिक्विड में, अगर सॉलिड हो गया मतलब टेम्परेचर बहुत कम होके सॉलिड हो गया तो आप इसे क्या कहेंगे, सॉलिड लिखेंगे ब्रैकेट में, और जिसे आइस कहेंगे। ठीक है, तो कई तरीके हैं, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो नीचे लिखा होता है वो स्टेट होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेट होता है। तो सिर्फ इतनी सी बात आपको केमिकल इक्वेशन के लिए याद रखनी है। चलिए वापस चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक पर और देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। और भी चीज़ें लिखी हैं, अ वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज इन द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो, एक एरो, मैंने बताया ना कि एक एरो के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन देम द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। अगर दो रिएक्टेंट है, मान लीजिए ए और बी दो रिएक्टेंट है, तो दोनों रिएक्टेंट को जोड़ने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट आपको कहाँ लिखना है बच्चों, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट आपको लिखना है, प्रोडक्ट आपको लिखना है राइट हैंड साइड में, और रिएक्टेंट आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में।
ठीक है, और इनके बीच में भी अगर दो प्रोडक्ट आ गए, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी अगर आ गया, तो इनके बीच में भी ए और बी के बीच में प्लस लिखेंगे आप। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा, फिर भी यहाँ पर दिया है तो मैं सोचा कि आपको डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था पहला हमने देख लिया, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं एक आध एग्जाम्पल और दे सकता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन गैस अगर आयोडीन गैस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये देखिए इस तरीके से आप देखिए मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन को लिख दिया। इसमें मैं क्या करूँगा, इसके स्टेट को लिख दूंगा, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, छोटे से ब्रैकेट में नीचे की तरफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। और कौन से फॉर्म में लिखा है मैंने, सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर मुझे वर्ड वर्ड इक्वेशन में लिखना है तो मैं लिखूंगा ऐसे, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कौन सा इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है और ये वाला सिंबॉलिक इक्वेशन है, सिंबल के फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है। ये चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ आपको, लेकिन काफ़ी मज़ा आने वाला है जब ये पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे। तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे, तो मैंने शॉर्टर वे आपको बता चुका है, चुपके से बताया हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। तो शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज, मोर कॉन्साइज, द कॉन्साइज वे आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, लाइक इन फॉर्म ऑफ सिंबल। सो इंस्टेड ऑफ वर्ड्स वी कैन राइट द केमिकल फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ वर्ड वी कैन राइट द केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल सपोज वाटर है, तो वाटर आप ऐसे लिखते हैं। अब उसकी जगह पे केमिकल फॉर्मूला क्या होगा उसका, H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना बड़ा नाम है, कितने लोग की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखने से ही डर जाएगा, बोलेगा इतना बड़ा कौन लिखेगा, सीधे से सीधे लिख दो MgO, बड़ा आसान है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नाम बता दिया सर आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, अब इतना सारा स्पेलिंग लिखने का मेहनत कौन करेगा, लिखो CO2, बड़ा आसान बना दिया कि नहीं साइंस को। तो साइंस बड़ा आसान है, केमिस्ट्री बहुत इजी है, सिर्फ क्या है कि इसके इसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, ये तरीका मैंने आप सबको सिखा दिया है, तो बिल्कुल आपको मेहनत वाली बात नहीं है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, हाउ यू विल राइट द केमिकल इक्वेशन, सो सिंपल। इफ़ यू वॉन्ट टू राइट द केमिकल इक्वेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड द मोर 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 शॉर्टर वे इज़ द केमिकल फॉर्मूला वे, यू नीड टू राइट इन अ केमिकल फॉर्मूला वे टू रिप्रेजेंट योर इक्वेशन। ओके, यू कैन राइट इन अ वर्ड फॉर्म, यू कैन राइट इन अ कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जस्ट टू मेक योर वे ईजियर दीज मेथड्स आर डेवलप्ड। ओके, तो चलते हैं आगे देखते हैं, इसमें भी वही चीज रहेगी जैसा कि मैंने बताया था। आगे देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। देखो बच्चों, लास्ट तक कई दिनों तक, मतलब देख आप, आपको ये चैप्टर मैं शायद पढ़ा दूं उसके बाद भी शायद आपको डाउट रह जाए, बहुत सारे बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते हैं इक्वेशन को। एकदम आसान सा तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग एक बेसिकली बैलेंस कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा मेथड है टेबुलर मेथड, जो कि अभी मैं दिखाने वाला हूँ, टेबल मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब कि लेफ्ट एंड साइड में देखने का रूल क्या है, मैं बताता हूँ आपको। जब कभी भी आप रिएक्शन लिखते हैं, एरो ऐसा रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और यहाँ पर प्रोडक्ट होता है। एक एक्चुअली लॉ है, एक लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अनुसार रिएक्टेंट साइड में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ देखिए एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड ऐसे लिखा हुआ है रिएक्शन, मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा। H2+I2 गिव्स अस 2HI, ठीक है, H2+I2 गिव्स अस 2HI। अब आपको किसी ने बताया कि हाइड्रोजन और आयोडीन को मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब देखिए यहाँ कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना आयोडीन है, यहाँ पर दो आयोडीन है, तो यहाँ पर देखिए
टू हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, टू आयोडीन यहाँ पर भी है। तो अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ देख रहे हैं आप कहाँ, क्या राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एटम्स हैं देखो बराबर है कि नहीं है। दो हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो दो हाइड्रोजन कहाँ है, राइट में भी है। दो आयोडीन लेफ्ट में है तो दो आयोडीन क्या है, राइट में भी है कि नहीं है। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो उसे कहना आपकी बैलेंस्ड है, आप कहना कि बैलेंस्ड इक्वेशन है। वेट अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ रहा है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब रहेगा? जब लेफ्ट हैंड साइड के एटम इक्वल रहेंगे राइट हैंड साइड के। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मैंने कहीं देखा था कि मैंने सुना था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करने के बाद हमें क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, अमोनिया बनता है। अब इस रिएक्शन को चेक करेंगे और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, मतलब केमिकल फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है गैस का, N2। मिक्स करते हैं हाइड्रोजन के साथ, मिक्स करते हैं H2। अमोनिया क्या है, अमोनिया NH3। ठीक है, अब मिलाते हैं, देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए यहाँ कितना नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है। यहाँ पर इस साइड में कितना नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है कि नहीं। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है। अब ये बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है। ये बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है। इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, इसको बैलेंस करना होगा हमको दोनों साइड इक्वल करने हैं। तो इक्वल करने के लिए अगर देखेंगे यहाँ पर दो टाइम नाइट्रोजन है, टू टाइम नाइट्रोजन है, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने बार हो जाएगा, हाइड्रोजन में भी दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे पूरे में तो हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितने बार हो जाएगा, छः बार हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को इसको छः बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तीन पे। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये हो गया छः। ठीक है, तो अब जो आपका इक्वेशन बना है देखिए, N2+3H2 गिव्स आउट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा, दो नाइट्रोजन है या थ्री टू जा, जब कभी नीचे और ऐसे ऊपर लिखा हो तो थ्री टू जाए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, ये 6। और यहाँ पे क्या हो गया, 2N, क्योंकि एक ही बार है ना ये N, तो ये दो बार N हो गया। ठीक है, दो बार, और ये 3 2 6, 6 बार हाइड्रोजन हो गया। तो आपको देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, जो कि पहले जब ये नंबर नहीं लिखा था तो पहले ये अनबैलेंस था। तो आई थिंक आप पहचान पाएंगे कि अनबैलेंस क्या होता है और बैलेंस क्या होता है। सिंपल सी बात है, एक लाइन में मेरे कॉन्सेप्ट को याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों नंबर को देखिए, अगर ये दोनों इक्वल है तब चेक करके बता दीजिए, बोलिए बैलेंस है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तब बोलिए कि अनबैलेंस है। एकदम आसान सा तरीका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, बैलेंस को करने के तरीके कुछ लिखे होंगे, इसे देखते हैं। देखिए, सो टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एज आई सेड दैट इफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट द बोथ कंपोनेंट शुड बी इक्वल। जैसे कि एक रिएक्शन दिया हुआ, देखिए जिंक प्लस जिंक सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब इसमें देखिए, यहाँ जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनता है बेटा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर कितना जिंक है, एक जिंक है। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर टेबल में बनाया, टेबल बना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना जिंक है, एक जिंक है। राइट हैंड साइड में कितना जिंक है बेटा, एक ही जिंक है। हाइड्रोजन कितना है, देखो हाइड्रोजन दो बार है यहाँ पर, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो बार, दोनों साइड दो दो बार है। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन को चेक कर दो, दोनों बराबर है। सल्फर कितना है, एक बार है, यस सल्फर एक बार है, बहुत सही बात है। सल्फर यहाँ पर भी कितने बार है, एक बार है, तो यहाँ पर देखिए चेक कर दीजिए, सही है। अब ऑक्सीजन कितने बार है, चार बार ऑक्सीजन है, चार बार ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, दोनों जगह चार बार है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप क्या बोलेंगे, द गिवन इक्वेशन इज अ बैलेंस। क्या होगा, एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ द ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, सो बैलेंस इक्वेशन है।
अब चलिए एक अनबैलेंस इक्वेशन को ट्राई करते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है बच्चों, अनबैलेंस इक्वेशन को ट्राई करते हैं बैलेंस करने के लिए। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जैसे कि देखिए Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। देखो दो तीन चार तरीके होते हैं बच्चों, कुछ कुछ टीचर अब चार पांच स्टेप्स में सिखाएंगे, छह स्टेप में सिखाएंगे, वो भी एक मेथड है, ऐसी बात नहीं कि वो गलत हैं या ऐसा कुछ है, वो भी एक मेथड है। और कुछ लोग शॉर्टकट तरीके से सिखाएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से भी लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको देखते हैं, पहले देख लेते हैं कितना एटम कहाँ कहाँ है। तो आयरन कितने बार है, एक बार है, यहाँ पर आयरन कितने बार है, तीन बार है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2 कितने बार है, दो बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बार है, एक बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बार है, चार बार है, हाइड्रोजन कितने बार है, दो बार है। अब देखिए कौन कौन सा बैलेंस नहीं है, देखिए आयरन तीन और एक है, बराबर बैलेंस नहीं है, तो क्या कीजिए, आयरन में तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 3Fe हो जाएगा, तो Fe तो बैलेंस हो गया, चलिए Fe का काम हो गया। हाँ, अब क्या है, ऑक्सीजन कितने बार है, चार बार है, हाइड्रोजन कितने बार है, दो बार है, और ये हाइड्रोजन कितने बार, दो बार और एक बार। तो चलिए पहले ऑक्सीजन जी को बैलेंस कर लिया जाए, ऑक्सीजन जी को क्या किया जाए, बैलेंस कर लिया जाए। ऑक्सीजन कितने बार है यहाँ पर भाई, चार बार है, यहाँ पर कितने बार है, एक ही बार है, तो यहाँ पर इसमें चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4H2O में मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब तो भाई हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो ऑक्सीजन को अब हाइड्रोजन को 8 बनाना है अपने को, हाइड्रोजन को 8 बनाना है, तो कैसे करेंगे इसको, 4 2 8, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। देखो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, 3Fe ये शॉर्टकट तरीका है, 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2O। आप देख लीजिए, सॉरी 4H2O नहीं है, H2 है, आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को क्विकली एग्जाम में क्विकली बैलेंस कर सकते हैं, बहुत जल्दी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा मेथड भी है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी ट्रायल एंड एरर मेथड जैसे ही है, लेकिन बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से है। स्टेप वन, पहले आप सारे एलिमेंट को देखें कि कौन कौन है, लेफ्ट हैंड साइड हमने भी लिखा था, देखिए हमने भी लिखा था, यहाँ पर भी लिखा है, वैसे ही जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, चार से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही ये भी कर रहे हैं, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको देख के, इतने बड़े तरीके से देख के डरे नहीं, जो मैंने ऊपर एक लाइन में करके दिखाया वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करने हैं कि जैसे ही आपको ये पूरा बैलेंस इक्वेशन मिले, फिर उसके बाद आपको उसके स्टेट लिखना ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके स्टेट नीचे फिजिकल स्टेट मैंने सिखाया है कि अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड, गैस है तो गैस, सॉलिड है तो सॉलिड और गैस है तो गैस, जो भी फेज़ हो उस फेज़ को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, जिस तरीके से इतना बड़ा जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वो दरअसल इसी जो मेथड मैंने ऊपर सिखाया, इसी मेथड को एक्सप्लेन किया गया है, सिर्फ टेबुलर फॉर्म में रख के एक एक स्टेप को दिखाया गया है, इसीलिए वो मेथड बड़ा हो गया है। बिल्कुल आप मत सोचिए कि मैंने शॉर्टकट कैसे बता दिया, मैंने कैसे इजी बता दिया, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैलेंस करेंगे तो इतनी डिटेल्स को ले कर लिखते हुए नहीं जाएंगे, आप कोशिश करेंगे इस मेथड से यूज़ करके बैलेंस करने का। तो मेरे वीडियो को, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, दो तीन बार देखिएगा, और जब आप एक दो इक्वेशंस के साथ जब कोशिश करेंगे सॉल्व करने का इसको, तो आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी, बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो नोट में हम इसको यहीं रोकेंगे और कल फिर चालू करेंगे, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये भी बहुत बेहतरीन पॉइंट है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। बड़ा मज़ा आने वाला है बच्चों इस वीडियो में। तो कहीं ना कहीं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन छूटे नहीं। शेयर करिए अपने दोस्तों को, बताइए कि कुछ अच्छी चीज़ें भी यूट्यूब पे चल रही हैं, ये चीज़ें वो देखें ताकि उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैव अ गुड डे।